नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम टू वेज फूडीज 11। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम हरा भरा कबाब की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो कि बारबेक्यू में या फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में हमें खाने को मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हरा भरा कबाब की रेसिपी को। हमने एक पतीले में पानी उबलने के लिए रख दिया है, इसमें नमक ऐड किया है। अब इसमें हमें पालक और मटर को उबालना है। हम 10 मिनट के लिए पालक और मटर को अच्छी तरह उबालेंगे। ये मैंने ढेर सारी पालक को पतीले में डाला है, हाफ कटोरी मटर ऐड किया है। अब इसे आप देख रहे हैं 10 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह उबाल लिया है। इसके बाद हमें इसको निकाल के कोल्ड वाटर में डालना है। ठंडे पानी में डालने से ये तुरंत ही सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम आगे की विधि स्टार्ट करते हैं। गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, 2 चम्मच तेल डालेंगे, जीरा ऐड करेंगे, इसके बाद कटी हुई अदरक और कटी हुई लहसुन का यूज़ करेंगे। जब हमारे लहसुन अदरक पक जाएं, तो हमें इसमें बीन्स, गाजर, ग्रेटेड फूलगोभी ऐड करना है। हमने बीन्स गाजर को फाइनली चॉप किया है। ये हमारी सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपको कबाब में खाने को मिलती है, बट ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। हमें अच्छी तरह सॉटे करना है। इधर हमारे पालक और मटर ठंडे हो गए हैं, हमें इसका पानी अच्छी तरफ निचोड़ के एक जार में इसे डालना है और इसे ग्राइंड करना है। आप देख रहे हैं मैंने इसे अच्छी तरफ ग्राइंड कर लिया है। हमारा पालक और मटर का पेस्ट रेडी है। अब हम इसे कढ़ाई में ऐड करेंगे और अच्छी तरह भूनेंगे। तब तक भूनना है जब तक इसका पानी, इसका मॉइस्चर चला ना जाए। अब इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसी के साथ हम नमक भी ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक आप लीजिएगा, क्योंकि हमने पालक में भी नमक ऐड किया था। इसे अच्छी तरह भूनेंगे जब तक इसका मॉइस्चर ना चला जाए। एक पतीले में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। अब इसकी चटनी तैयार करेंगे, जिसमें हरा धनिया, पुदीना, दही, नमक और नींबू का रस सभी डाल के हमको ग्राइंड कर लेना है। एक कढ़ाई में तेल चढ़ाएंगे। अब हमें बाइंडिंग के लिए ग्रेटेड पनीर, ग्रेटेड पोटैटो, हरा धनिया सब डाल के मिक्स करना है। 4 चम्मच मैंने ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिससे हमारी अच्छी तरफ बाइंडिंग हो जाएगी। अब हम हरे भरे कबाब को अच्छी तरफ मिक्स करके रेडी कर लेंगे। इसकी टिक्की बनाएंगे और इसका सिग्नेचर ऑफ साइन है कटा हुआ काजू, जो हमें ऊपर लगाना है। अब इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। आपको
को अच्छी तरफ मीडियम लो फ्लेम पे इसे शैलो फ्राई करना है। और ये देखिए कितना यम्मी सा कलर आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और सर्व के लिए रेडी करेंगे। हमारे हरे भरे कबाब बनके रेडी हो गए हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली डिश के साथ। थैंक यू। जय हिंद।